दोस्तों यह वीडियो 2021 का है, मोर्फो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कैसे करें। अगर आपके साथ भी इस तरह का समस्या है तो वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है आरडी सर्विस ऑनलाइन, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद पहला वेबसाइट आ जाएगा ऑफिशियल rdservice.online.com मोर्फो फिंगरप्रिंट आरडी सर्विस, ठीक है। आपको बता दूँ कि यहाँ आपको बताया जा रहा है बाई ऑनलाइन क्रिएट एन अकाउंट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट था उस पर हम क्लिक कर दिए हैं, और मोर्फो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ अकाउंट होना ज़रूरी है। तो morpho.com पे आपका अकाउंट यहाँ बनाया जाता है, जो बाद में प्रोसेस आपको ऑप्शन मिलेगा, अभी भी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दो ऑप्शन मिल रहा था, और सबसे पहले हम डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। अगर आप भी मोबाइल में टाइप कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस प्रकार से थोड़ा इंटरफेस आपको दिखेगा, नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, रिन्यूअल करने का और चेक वैलिडिटी चेक करने का, और ऊपर है डिवाइस नंबर फाइंड करने का, यानी कि कैसे पता कर सकते हैं अपना सीरियल नंबर, आपको क्या है सीरियल नंबर। अगर आपका डिवाइस का बैक साइड का मिट जाए सीरियल नंबर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है कि भैया आप कंप्यूटर में डिवाइस ऐसे लगाइए, ऐसा ऐसा कीजिए, सीरियल नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ हमें मिल रहा है चेक वैलिडिटी और रजिस्टर रिन्यू। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, चेक वैलिडिटी पे क्लिक करके अपना सीरियल नंबर डाल के, और हम देख लेंगे कि हमारा इसका रिचार्ज अभी है या ख़त्म है, यानी कि रिन्यूअल डेट बचा है या ख़त्म है, ठीक है। ख़त्म होगा तो दोबारा रजिस्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ अपना सीरियल नंबर सही सही डाल लेते हैं, और बीच में जो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, वन लगा देते हैं एक, वो लेकिन वो आ ही रहता है। तो चलिए हमारा डिवाइस नंबर आ गया है, सीरियल नंबर ये है, और डिवाइस स्टेटस जो है हम दिखा देते हैं। यह डिवाइस बताया जा रहा है डिवाइस इज वैलिड बट नॉट वाइट लिस्टेड, यानी कि यह डिवाइस सही है बट काम अभी इसका जो है, डिवाइस इज वैलिड बट नॉट वाइट लिस्टेड, काम इसे अभी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका रिन्यूअल डेट ख़त्म है, रजिस्ट्रेशन फेल है, तो दोबारा रजिस्टर रिन्यू करना होगा हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट बैक बटन से भी क्लिक करके बैक हो जाएंगे। फिर से दो ऑप्शन मिलेगा हमें, रिन्यू और रजिस्ट्रेशन रिन्यू, यानी रजिस्ट्रेशन रिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ बाई सर्विस का एक ऑप्शन मिल रहा है, नीचे में 1, 2, 3 स्टेप है, नीचे एक ऑप्शन मिला है बाई सर्विस, उस पर क्लिक कर देना है उसी पर, और उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए क्लिक कर दिए, और यहाँ एक साल का 375 है, बट GST चार्ज जोड़ने के बाद यह 400 कुछ रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 3 साल के लिए अपना सेलेक्ट करेंगे सर्विस, तो आपको यह ध्यान में देना होगा कि GST चार्ज जो है बाद में ऐड होता है। तो सबसे पहले हम सर्विस वैलिडिटी ईयर जो है 3 साल के लिए सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ सीरियल नंबर डालना है, डिवाइस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं 725 रुपया शो कर रहा है, लेकिन यह 855 GST चार्ज लगने के बाद हो जाएगा, ठीक है, जब पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ हम सीरियल नंबर डाल दिए हैं, डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा डिवाइस E2 आपका जो डिवाइस है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ हमें एक एरर आ रहा है कि सीरियल नंबर ऑलरेडी एडेड योर कार्ड, यानी कि हम कल ऐड किए थे बट उस समय सर्वर प्रॉब्लम था तो हम नहीं कर पाए उस समय पूरा प्रोसेस। तो यह सीरियल नंबर तो ऐड था, तो यहाँ बता रहा है ऑलरेडी, तो आपको भी इस तरह का बताया था, यह ऐड हो के जाता कहाँ है, तो ऐड ऊपर में रहता है, आपको एक रेड मैसेज शो कर रहा होगा उस पर, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे एक बॉक्स है, उस वाले ऑप्शन पे रेड डॉट शो कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह डिवाइस जो है ऑलरेडी कल जहाँ तक हम प्रोसेस किए थे वहाँ तक ही अभी है, ठीक है। तो यहाँ जो है रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो यह हट जाएगा, तो हम दोबारा से वहाँ से ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। अगर रिमूव पे क्लिक नहीं करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ हम प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ रिमूव पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, और आरडी सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा दोबारा से प्रोसेस करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर से हम यहाँ क्या करते हैं, वहाँ रिमूव कर दिया है डिवाइस, और यहाँ फिर से सीरियल नंबर डाल देते हैं, ठीक। सीरियल नंबर डालने के बाद नीचे ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन से मिलता होगा, डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड, ठीक दिख रहा है आपको। अब आपको करना है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्यू स्टार्ट, ठीक है, व्यू स्टार्ट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर देना, वहीं दोबारा क्लिक करेंगे
तो नीचे में आपको नीचे कंफ्यूज ऊपर लोग हो जाते कि ऊपर तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, ठीक है, तो लोग रिमूव पे क्लिक करते, लेकिन नीचे आपको टर्म कंडीशन पे टिक लगाने का ऑप्शन मिलते रहता है, यही ध्यान देना होता है। नीचे आपको टर्म कंडीशन है और टिक मार्क करना है, फिर सबमिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ टिक मार्क करते हैं टर्म और कंडीशन पर, दोबारा आप देख लीजिए फिर से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी कंफ्यूज हो गए कि वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक, व्यू कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा टिक करने का, यानी टर्म कंडीशन पे टिक लगाने का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप गौर से देखिएगा। और अभी हम एक मिस्टेक और कर रहे हैं कि यहाँ डबल डिवाइस हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ टिक लगा दिए और 1450 कर रहे, यानी कि यही सीरियल नंबर दो बार ऐड हो चुका है, ठीक है, इसलिए चेकआउट हम करेंगे तो ज़्यादा पैसा हमें शो कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करें, रिमूव पे क्लिक करके एक को हटा दिए अभी, तो अब शो कर रहा है 725 रुपया, ठीक, पहले 1450 यानी डबल था, तो रिमूव पे क्लिक करके अगर डबल शो कर रहा हो आपका तो हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ है टिक लगाने का ऑप्शन, टर्म और कंडीशन पे टिक मार्क कीजिए, चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चेकआउट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा और यहाँ से आपका जीमेल आईडी और जीमेल का पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा और कभी न भी आएगा। तो चलिए हम अपना जीमेल का पासवर्ड और जीमेल डाल दिए हैं, यानी कि मोर्फो पे जो अकाउंट बनाए थे जीमेल से और जो पासवर्ड बनाए थे जो हमारा जीमेल का पासवर्ड हो, यानी मोर्फो पे लॉगिन हम हो गए। उसके बाद हमारा पूरा एड्रेस यहाँ शो करेगा, यहाँ 855 रुपया सो ऑनर जो टोटल चार्ज है वो शो कर रहा है 850 रुपया। तो इस प्रकार से आपको भी शो करेगा, कंप्लीट ऑर्डर के नीचे ऑप्शंस मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्लीट ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल रहा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे UPI का ऑप्शन है, गूगल का भी है, तो हम UPI से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान होता है, डेबिट कार्ड नंबर से डालना थोड़ा हार्ड होता है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना UPI नंबर डाल के वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन फोन पे मोबाइल ऐप, 855 रुपया का रिक्वेस्ट आ गया है यहाँ, तो हम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पे कर देते हैं, 855 रुपया पासवर्ड डालते हैं। और यहाँ 855 का आपको एक मैसेज दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल है। अब यहाँ से थोड़ा बैक हमें आ जाना है, ठीक, आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको भी मैसेज दिखेगा जब अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फ़ोन पे का इस तरह का रिसिप्ट है, यहाँ से भी स्क्रीन शॉट लेके हम बैक चले जाते हैं और बैक आना है एक बार, और हमें आ जाना है RD सर्विस पे दोबारा फिर से। पेमेंट कहाँ कटा है, तो RD सर्विस पे कटा है, तो RD सर्विस पे यहाँ थैंक यू मुकेश यानी आपके साथ, और यहाँ ऑर्डर जो कंफर्मेशन दिया जा रहा है, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है डिवाइस रिन्यू कर दिया गया है और आपके अकाउंट से जो पैसा कटा उसका रिसिप्ट यहाँ है। तो कंटिन्यू बाकी का पूरा डिटेल आपको मेल ID पे भेज दिया जाता है, वहाँ से पता कर सकते हैं। और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, बैक जाइए और डिवाइस यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत हो कमेंट